जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि मरकज़ ऐप्स के ऊपर आप कैसे काम कर सकते हैं, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से आप कैसे इसमें अपना काम शुरू कर सकते हैं और माहाना जो है आप 30 से 40 हज़ार रुपया आराम से कमा सकते हैं। ये बात पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे घरों में ख़वातीन भी बैठी हुई हैं जो ऑनलाइन काम करती है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और वो चाहता है कि मैं ऐसा काम करूं जिससे मुझे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से काम अपना शुरू करना चाहिए, तो जिसमें मुझे प्रॉफिट भी आराम से घर में बैठे मुझे मिले। तो पाकिस्तान में एक ऐसा ऐप्स आ चुका है जी कि ये मरकज़ ऐप है, और एक दूसरा ऐप्स है कि मैं शायद अभी नाम इसका याद नहीं, लेकिन दूसरा मैं आपको बता दूँ। लेकिन इस फ़िलहाल इस आज मैं मरकज़ ऐप्स के बारे में बताऊँगा। बहुत सारे लोग जो काम करते हैं दराज के ऊपर भी करते हैं, उसके सेल करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू इस बात का आ रहा है कि जो लोग काम करते हैं ऑनलाइन, उसका मेन मसला ये होता है कि लोग पाकिस्तान जो है फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ज़रिए जो लोग अपना बिज़नेस चला रहे हैं ऑनलाइन, उनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा धोखे हो चुके होते हैं। लोग समझते हैं कि यार अब हम इनके ऊपर कैसे इतबार किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारी जो 100 में से 90% लोग फ्रॉड ही करते हैं। मैं ख़ुद ऑनलाइन काम करता हूं यहां स्वाद से बैठ के पूरी पाकिस्तान में, क्या कि बाहर मुल्कों में भी स्टॉक बेचता रहता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को सबसे ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आप सब बराए मेहरबानी जितने भी लोग मरकज़ ऐप्स के ऊपर जो है ना अपनी चीज़ें सेल करते हैं, तो आप सबसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ फ्रॉड ना करें, धोखा बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार इन्हीं चीज़ों की वजह से लोगों का एतबार उठ जाता है उस चीज़ से। अब मरकज़ ऐप के ऊपर मैं समझा था यार ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा ये हो रहा है, लेकिन क्वालिटी थर्ड क्लास की क्वालिटी रखी हुई है जो है। अब ऐप्स के वाले मरकज़ ऐप्स की गलती तो नहीं है, लेकिन इनकी वजह से उनकी वैल्यू ख़राब हो रही है। मरकज़ ऐप की क्या हो रही है? वैल्यू ख़राब हो रही है। दराज की वैल्यू क्या थी? दराज की वैल्यू 5 से 4 से 4 से 5 मुल्कों में दराज चल रहा है, वाहिद पाकिस्तान है जिसमें सबसे बड़ा फ्रॉड होता है दराज के ऊपर। फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। तो आप लोग क्यों अपना जो है ना वो क्यों काम ख़राब करना चाहते हैं? क्यों एक सही चीज़ बेच के आप लोग जो है ना अपना कस्टमर क्यों नहीं बनाना चाहते? अगर आप लोग अपना कस्टमर बनाएं तो कल को वो दूसरों को भी बताएंगे। माशाल्लाह जो मेरे साथ कस्टमर है, मैं शॉल जो सेल करता हूँ, सूट सेल करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग यही कहते हैं कि चीज़ आपने अच्छी भेजी हुई है। मैं अपने कस्टमर को हमेशा कहता हूँ किसी भी चीज़ का मसला हो तो आप मुझे भेज सकते हो उस चीज़ को। मैं जो चीज़ बताऊंगा उसमें 19-20 का भी फ़र्क नहीं होगा, अगर जो मैं बताऊंगा वही चीज़ हो, अगर उससे भी थोड़ा सा भी मसला हो तो आप मेरी चीज़ मुझे वापस भेज दें, ठीक है? तो माशाल्लाह मेरे जो जितने भी कस्टमर हैं वो सब मेरी चीज़ों की तारीफ़ करते हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं हुआ कि फ़र्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो भी ऑनलाइन किसी, क्योंकि पहले भी मेरे साथ ऐसा ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका है। तो मैंने कहा यार चलो यार ये बड़ा बातमाद ऐप्स है, इसके ऊपर काम करना चाहिए। मैं एक चीज़ को प्रैक्टिकली उससे करना चाहिए, लेकिन वो थर्ड क्लास की क्वालिटी निकली। तो भाई आप क्यों ऐसा काम करते हो, जो आप चीज़ क्यों ऐसा सेल करते हो? तो बराए मेहरबानी आप में से अगर कोई भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, अगर वो मरकज़ ऐप के ऊपर काम कर रहा है, तो आप बराए मेहरबानी अपनी चीज़ जो क्वालिटी है वो अच्छी रखें, ताकि कस्टमर खुश हो, वो दूसरों को भी बताएं कि यार इस बंदे से मैंने जो चीज़ ली है वो बड़ी अच्छी चीज़ ली है मैंने, इसे आप भी लें, इसे इस दूसरों को भी बताएँ, इससे आपके कस्टमर बढ़ जाते हैं, ठीक है? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बाहर मुल्क जो कस्टमर है वो दूसरों को भी बताते हैं यार इससे लो यार ये वो है, ये फ़लानी अच्छी चीज़ बेचते हैं, हम इससे मंगवा चुके हैं, ये हो चुका है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। हालांकि लोग मुझे एडवांस पेमेंट भेजते हैं, मैं किसी को कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम नहीं है मेरे पास, लेकिन एडवांस पेमेंट लेता हूँ, फिर भी लोग मुझसे ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि लोग एतबार कर रहे हैं। क्यों? मैं चीज़ अच्छी दे रहा हूँ। कस्टमर कल को भी, आज भी इंशाल्लाह, कल भी मुझे याद रखेंगे, फिर भी याद रखेंगे। अगर मैं ख़राब चीज़ भेजूँ तो वो फिर एकदम से मैं अपनी आखिरत भी तबाह कर लेता हूँ, आखिरत भी ख़त्म हो जाएगी मेरी, और दूसरा कि अल्लाह पाक के पास जाके मैं क्या जवाब दूँगा। तो आप सबसे गुजारिश मेरी इतनी है, मरकज़ ऐप के ऊपर काम करें, बिल्कुल बेशक करें, लेकिन उनका भी इदारा जो है, इनका जो मरकज़ ऐप है, सॉरी इदारा मैंने भूल दिया, इसका जो इनका
ये जो इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, तो प्लीज़ इसको ख़राब ना करें। ऑनलाइन जितना भी सिस्टम है बाहर मुल्कों में, किसी मुल्क में जो है ना वो फ्रॉड नहीं होता, लेकिन वाहिद पाकिस्तान है ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है इसमें, ठीक है। ये फ्रॉडिया लोग इसमें बहुत ज़्यादा है। तो आप सबसे गुजारिश यही है, आप भी शॉपिंग करें, जो चीज़ आपको पसंद आती है लें, लेकिन क्वालिटी से आप मुतमईन हो जाएं, फिर आप चीज़ ले लें, ठीक है। और इसके बाद मैं कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करने वाला जब तक कोई चीज़ मेरे पास हाथ में ना आए, और मैं अपने कस्टमर को नहीं दूंगा। जब अभी इम्पोर्ट क्वालिटी की वीडियो मैंने अपलोड की है, वो क्यों अपलोड किया है, क्योंकि क्वालिटी मेरे पास आई है, तो मैंने देखा है, तो वो माशाल्लाह चीज़ अच्छी निकली है, तो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड भी कर दी है। और दूसरा ये कि सबसे ज़्यादा लोग हमारे साथ, कुछ लोगों ने लोन का काम किया है और उसे उधार ले चुके हैं, तो आप सबसे ये गुजारिश है कि टाइम पे जो है ना अपना लोन चुकाया करें, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों की वजह से हमें जो है ना सूट में 50-60 हज़ार से एक नुकसान भी हुआ है। अगर आप लोग अपना ऑर्डर दें तो टाइम पे जो है ना उसकी पेमेंट भी करें, और ऑर्डर जो है वो अपना टाइम से कन्फर्म किया करें, लेट ना किया करें, क्योंकि उसमें हमारा नुकसान होता है, वही चीज़ दूसरे कस्टमर से मुतासिर हो जाती हैं, और आप लोग फिर टाइम से पैसे भी नहीं देते और सीज़न भी निकल जाता है, तो ये हमारा नुकसान होता है इसमें, ठीक है। और जो लोग पैसे, यार आप सबसे यही गुजारिश करता हूँ यार, जो है ना टाइम से जो है ना पैसे वापस जो है ना दे दिया करें। इसी तरह अगर आप लोग जो है ना आज हमें डरा देंगे, तो कल को हम आप लोगों को 100 रुपये का भी कोई चीज़ उधार नहीं देंगे, ठीक है। अगर एक बंदा आपके साथ नेकी करता है, तो आप लोग जो है ना उसकी नेकी का गलत फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि उधार आज से मुकम्मल बंद है, किसी के साथ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी इस सीज़न में मुझे काफ़ी नुकसान कुछ लोगों ने दिया है, और जिन्होंने उधार लेके गए हैं ना, वो भी हमारे अपने पश्तून लोग हैं, लेकिन वो दे नहीं रहे, अब पैसे दे नहीं रहे, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, ना कुछ वो कर रहे हैं। आप भाई इस पैसों से मेरा कुछ नहीं, लेकिन आप इस इन चंद पैसों से मेरे पैसों से अमीर नहीं हो जाएंगे, ना ही मैं अमीर होऊंगा, लेकिन जो है आपके साथ एक नेकी की है, तो आप उस नेकी का जो है ना गलत फ़ायदा ना उठाएं, ठीक है जी। इंशाल्लाह तो आगे इंशाल्लाह आप दोबारा भी आएंगे हमारी तरफ, हम इस तरह आप लोगों के साथ सपोर्ट करेंगे। अगर आप लोग स्टार्ट में हमारे साथ ऐसा करेंगे, तो फिर हम कैसे आगे आप लोगों के साथ वो करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के ज़रिए मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ, ठीक है, और आप सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ, ऑनलाइन काम करें, लेकिन अच्छा काम करें, सही काम करें, सही चीज़ बेचेंगे तो सही लोग, कस्टमर आप लोगों से खुश भी होंगे, लोग सारे खुश भी, इंशाल्लाह आपकी सेल भी बढ़ेगी इससे आपकी कोई कस्टमर, जब कस्टमर आपसे खुश होगा तो आपका काम भी इससे बेहतर चलेगा जी, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।